कैसे हैं सब जी? बहुत ही रोजरात कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केबी के साथ और ए ठप्पा वाले बाचस नाम दे नाल आप देख रहे हैं सुपर ओवर। दुनिया में जब भी प्लेबैक सिंगर्स की तारीख लिखी जाएगी तो सुनहरे लफ्जों में सिर्फ एक ही नाम लिखा जाएगा और वो है मोहम्मद रफी साहब का। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फखर की बात है कि वो लाहौरी थे। बट जी, रफी साहब की आवाज हमारे दिल के बहुत करीब है। जोधा भाई के सामने हम अपने जज्बात का इजहार रफी साहब के गीत गाकर ही किया करते हैं। वो बैठ जाए, लग रहा है पूरा लाल किला नाच उठा है। आपको तो गाना चाहिए था, अभी ना जाओ छोड़कर कि ढिड भी पर या नहीं। रफी साहब की बरसी है, उन्हें खैराज अकीदत पेश करने के लिए एहतमाम किया जाए। हाजिर हजरात, आज मोहम्मद रफी स्पेशल के लिए ट्रिब्यूट पेश करने आ रहे हैं वो जिनको वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ एक ऐसे गुलुकार जिनको आप सुन के कहेंगे आय हाय 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 हाय, और एक ऐसी गुलुकारा जो पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, और जैसे दिलदार परवेज पट्टी साहब कहते थे, ऑडियो भी ते वीडियो भी दो में चंगी ने आ रहे हैं एम अरशद और सारा ताहिर। वेलकम जी, वेलकम टू सुपर ओवर। आप दोनों अपना कीमती वक्त निकाल के आए और आज रफी साहब के लिए हम लोगों ने एक ट्रिब्यूट स्पेशल एपिसोड की है। सबसे पहले तो रफी साहब, जिस तरह मैंने कहा लाहौरिये थे, आप भी अरशद साहब लाहौरिये हैं, तो ये कनेक्शन पे आपको फख्र होता है? जी बिल्कुल भट्ट साहब, होता है और इसलिए भी होता है कि वो पाल गोश्त चौल वो भी खाते थे, मैं भी खाता हूँ। दाल गोश्त चौल वो भी खाते थे, मैं भी खाता हूँ। तो लाहौरिये अगर ये काम नहीं करें तो फिर क्या करेंगे? और साथ में अगर सुरीला लाहौरिया हो तो फिर सुभान अल्लाह। हाय हाय, सुरीली बात आपने कर दी लेकिन आम भूल गए। रफी साहब, आम के भी बड़े शौकीन थे, क्या आप भी आम चूसते हैं कि नहीं? मौसम तो बट साहब ऐसे ही बने हैं, बाहर कीमे वाले नान और आम तो बगैर तो रह नहीं सकते। आपकी भरपूर तालियों में खालिद बेग साहब। वाह 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 खालिद साहब, आपने एंट्री मारी, मैंने तो लगे कि जिस तरह रफी साहब की फिल्म के कोई हीरो वॉक करके अंदर आ गए हैं। सर वेलकम टू द शो। ये वेलकम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाइए। बट जी बा खुदा, रफी साहब को आपने जो ट्रिब्यूट पेश करने में ट्राई एंगल तश्कील की है उससे हम बहुत मुतासिर हुए हैं। थैंक यू अरशद साहब, आपका नाम वकीलों वाला है लेकिन आप हमारे बहुत पसंदीदा मौसीकार भी हैं। आप भी मुझे वो जिले तबाही लग रहे हैं। कैसी बात है कि रफी साहब को गुजरे हुए 42 इयर्स हो चुके हैं लेकिन आज भी नई जनरेशन उनकी फैन नहीं बल्कि उनकी दीवानी है, ये क्या मामला? सर देखें कि वो एक लीजेंड लोग थे, बहुत बड़े फनकार थे, ऐसा फनकार तो पैदा ही नहीं हो सकता। और नशाद साहब के फॉलोअर रहे हैं मेरे अब्बा जी भी और मैं भी, तो नशाद साहब ने ऐसा सा रफ़ी साहब को गवाया है। एक और मैं बात बताता हूँ भट्ट साहब आपको कि रफ़ी साहब 3 ऑक्टिव सिंगर थे, ये बहुत कम लोग, जी बेस मिडल और हाई ऑक्टिव, बिल्कुल ये बड़े कम लोग होते हैं बल्कि होते ही नहीं हैं। ये खुदा की खास उस बंदे पे रहमत होती है जो 3 ऑक्टिव हो।
रफ़ी साहब प्लेबैक सिलेबस बन चुके हैं और जिस तरह शायरों के लिए गालिब साहब सिलेबस बन चुके हैं उसी तरह हमारे मॉडर्न प्लेबैक सिंगर्स के लिए ये बात सच है कि आपको रफ़ी साहब को स्टडी करना चाहिए। मेरा ख्याल कहता है कि जिस तरह एम अरशद साहब ने फरमाया कि उनके तीनों ऑक्टिव जो थे वो सेम थे, बिल्कुल वो बोलते थे, वो किसी के भी नहीं आज तक ऐसा हुआ। और क्योंकि मैंने जब मास्टर्स किया है तो मेरा तो थीसिस ही मोहम्मद रफ़ी साहब पे था। अच्छा। और मैं उनके रफ़ी साहब के घर भी रहा और वो वाहिद शख्स हैं जिनके 12 के 12 आकार उनके बोलते हैं। वाह वाह सारा, आप तो म्यूज़िक के अंदर डिग्री होल्डर भी हैं, तो आपकी म्यूज़िक रिसर्च में आप रफ़ी साहब को कहाँ प्लेस करती हैं? आपने अगर कुछ सीखना है, आपने म्यूज़िक में बहुत कुछ जानना है, तो मेरे ख्याल से रफ़ी साहब की हिस्ट्री और रफ़ी साहब की गायकी वो काबिल कबूल है और वो काफ़ी है हमारे लिए एक बहुत बड़ा अदारा है। वाह, रफ़ी साहब के बारे में तो ये मशहूर था कि रिकॉर्डिंग से पहले वो ये पूछते थे कि भाई किस हीरो पे मेरा गाना पिक्चराइज हो रहा है, कॉन्फिडेंस का ये क्या लेवल है? भट साहब, इसमें ये है कि एक गाना होता है जो खुला गाना जिसको बोलते हैं, आ खुली कर रहा है इंसान, एक होता है विस्पर, और विस्पर को सुर में आप, यानी विस्पर का मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्ट गा रहे हैं और सुर को आप कहीं कहीं और ले गए, बिल्कुल ये सिलसिला नहीं होता। रफ़ी साहब इसलिए भी पूछते थे कि आर्टिस्ट सामने कौन है, कि शम्मी कपूर साहब हैं, धर्मिंदर जी हैं, या कोई और है, या राजेश खन्ना है, ताकि उनको पता चले कि मैंने इस हिसाब से इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, क्या मूड करना है क्या। अब जैसे एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा, वो मेरे उस्ताद जी ने, आरडी बर्मन साहब ने, वाह वाह, उनसे गवाया, और वो क्यों के इसलिए भी गवाया कि शम्मी कपूर साहब बहुत इंटरेस्टेड थे रफ़ी साहब में। अच्छा। शम्मी कपूर साहब उन रफ़ी साहब के अलावा हिलते ही नहीं थे, वो कहते थे रफ़ी साहब होंगे तो मैं गाना पिक्चराइज कराऊंगा वरना मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल। तो वो जब रफ़ी साहब ने गाना गाया शम्मी कपूर साहब के लिए तो इस तरह गाया कि लगता था शम्मी कपूर साहब को एक्टिंग मेरे ख्याल में वहाँ से रफ़ी साहब के गाए हुए गाने से मिली। वाह वाह। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, हाँ आजा आजा, यही देखें ये जो गाना है ये एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने तो रफ़ी शम्मी कपूर साहब अच्छे लगे हमें। नहीं नहीं मैं तो कहूँ बल्कि वो वाक्य भी बड़ा मशहूर है कि रफ़ी साहब स्टूडियो से एक गाना पिक्चराइज करवा के निकले और उनको यही था कि यार ये अमिताभ बच्चन के ऊपर होगा, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि ये गाना एक्चुअली अमिताभ बच्चन जंजीर फिल्म के लिए उन पर पिक्चराइज नहीं हो रहा, ये गुलशन बावरा साहब पर पिक्चराइज हो रहा है। वापस वो स्टूडियो गए और उन्होंने कहा कि ये मैं फिर से रिकॉर्ड करवाऊँगा क्योंकि मैं जब गा रहा था तो मैं अमिताभ बच्चन साहब को माइंड में रख के गा रहा था। रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, हैं जी बेग साहब आपके लिए तो बल्कि बनता है रफ़ी रफ़ी कर दी नहीं मैं आपे रफ़ी होई, वाह वाह। अब मैं फरमाइश करूंगा बेग साहब से कि हमें तीन वो डिफरेंट वेरिएशंस और एक्सप्रेशंस बताएं जो रफ़ी साहब ने इन तीन हीरोज के ऊपर पिक्चराइज किए, एक दिलीप कुमार साहब और ऊपर से देवानंद साहब और फिर शम्मी कपूर साहब, आपकी तालियों में। रफ़ी साहब जब अपने वॉनाबीज़ का गाना सुनते तो उनको दाद देते, और अगर आपको कभी मौका मिलता कि आप उनके सामने गाना गाते तो उनका क्या रिएक्शन होता? और आपकी बात को बड़ा करता हूँ, उनके जो दामाद हैं परवेज साहब, क्योंकि मेरे फैमिली टर्म्स हैं, वो मुझे अक्सर ये कहते हैं सुन के गाने मेरे, कहते हैं अगर रफ़ी साहब होते ना तो उन्होंने सबसे पहले आपको जप्फी डालनी थी और फिर आपको चूमना था। वाह वाह वाह। बेग साहब, रफ़ी साहब अगर जिंदा होते तो ये तब पता चलता कि वो चुमियाँ किसकी लेते हैं और बफियाँ किसको डालते हैं। मेरे समेत रफ़ी साहब मियाँ नवाज शरीफ को भी पसंद हैं और छोटे मियाँ तो जहाँ भी जाते हैं यही गुनगुनाते हैं। बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, दुर फिटे मुँह आलम पना जो आपने इस गाने के साथ किया है, क्या बात है।
ਸਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਾਤਾ ਪੂਰਾ ਮੱਲੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਨ ਸਿਕੜੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰ ਬੇਅਦਬ ਬੇਅਦਬ ਨੁਸਰਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਚ ਗਏ ਹੈ 12 ਹਮ ਹੈ ਐਮ ਅਕਬਰ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਨਾ ਪਰ ਐਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ वाह क्या हसीन इत्तफाक है नुसरत आरा साहब आपकी ही कमी थी साहब की मतलब मेरे मुछा निकली तेन सरस छमने आई मेरी कमी सी मैं तेरी कैल्शियम है कमी गैरत दी हुंदी हजार दी हुंदी तेन मेरी कमी सी बट चौल घट तेरी खादे किधरे भाई तू खा ही नहीं सकता तू तो एक देग नूं एक फका मारना मैं इसलिए चली आई मैंने कहा चले रफी साहब का जिक्र हो रहा तो जाके मैं भी कुछ चार बातें कर ही लूं वाह आप तो इंडिया भी जाती रही हैं कभी इत्तफाक हुआ उनसे मुलाकात हुई बंदा पहले बैठ दे भी कह देता मैं तेनों सबक सुनाना आई हां नहीं नहीं बैठे कितने बैठे बहुत अच्छे हर बंदे नु अपनी रोटी समझदा मेज ते रखण दे हां मुलाकात तो कभी नहीं हुई हां अलबत्ता खतो किताबत उनके साथ होती रहती थी अच्छा जब भी कभी मैं इंडिया जाती थी ना दावतों पे रतन टाटा के साथ और उनके धीरू भाई के साथ जाके मुलाकातें होती थी रतन टाटा के घर खाना खाया फिर उसको टाटा किया वहीं से वापस आ गए अच्छा हाँ की याद करवा दिता तुसी की जमाना होता सी मौसम ठीक होना रात का टाइम होना तारे आसमान से जगमगाने चंद ने अपने पूरे जोबन से आना तो रफी साहब ने मैनू गेड़न वाला फोन करना फोन करके फिर मैं रात को गजलां सुनानियां अरे हालांकि ये गजलें यहाँ से भी कोई वहां सुनाया करता था अताई फोन मेरे को गल लुकी नहीं हुई माशाल्लाह जी जी मैनू ना गजलों का भी पता उस भाई का भी पता जेड़े इतों गजलां सुनाते सन अच्छा हूँ लंडन बैठे ने पहले इतों गजलां सुनाते सन हूँ उतो अपनी असलां सुना डे वो भी सुनाया था उन्होंने आपको सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए आ जा प्यारे पास ये नहीं सुनाया बंदा पूछे मैं उसे अमर शाह साहब अपना मुलाकात कर रही खाना खान गई माल छंग करान गई वाह 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 जी वाह आज तो बेंजामिन सिस्टर्स का मैंने सुना था ये सिल्क सिस्टर्स कहाँ से आ गई हैं हाँ इन्हें हूँ पाई होगी मैं तो 3 महीने पहले दी पाई बड़ा दिलचस्प वाकया था कि केएल सहगल साहब का लाहौर में कॉन्सर्ट था और उसके दौरान बत्ती चली गई लो उस टाइम भी बत्ती जानती थी बत्ती है ऐसी चीज जान वाली तो केएल सहगल साहब ने कहा भाई जब तक लाइट नहीं आएगी मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा तो जो इंतजामिया थी उन्होंने 13 साल के रफी साहब को स्टेज पे भेजा और उन्होंने बड़े देर तक लोगों को एंटरटेन किया अपनी खूबसूरत आवाज से मेहमानों में उस टाइम पे श्याम सुंदर साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी मौजूद थे उन्होंने फिर शो के बाद आके रफी साहब को कहा कि बेटे तेरे नाल काम जरूर करांगे बट जी बत्ती तो हूँ भी बहुत जाती है हाँ हूँ भी माशाल्लाह 8-8 घंटे बत्ती जाती है हूँ तो कोई नहीं रफी पैदा हो रहे हूँ कड़ा लोशन रुक गई है हूँ इस तरह से पैदा हो रहे हमारे तेतरेपन पर एतराज ना किया जाए इतने कई तेतरे गांदे फिर डे ने हम आज ही सुपर ओवर शो खत्म होने के बाद अर्शद साहब से गंडा बनवा रहे हैं ते दूजे हाथे आंडा बनवा ले अरे गाना ते तेरा होना तेरा नाश्ता ते हुंदा रहे बेफिक्र रहो मैं तुहानू दुआना बन दांगा बट साहब यहाँ मैं बात ऐड करती चलूँ कि श्याम सुंदर साहब जिन्होंने लाहौर में मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना था तो मोहम्मद रफ़ी साहब जब इंडिया में स्ट्रगल कर रहे थे तो इत्तफाक देखिए कि फर्स्ट टाइम जो पहला गाना गाँव की गोरी का गाया रफ़ी साहब ने वो श्याम सुंदर साहब ने उनसे गवाया जी बट साहब मैं आज ये सुपर ओवर की ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जुगनू फिल्म जब बनाई और रफ़ी साहब को इंट्रोडक्शन दी चौको फैन रफी साहब ने आपके नाना ने जी जी बाकी हाँ, गाने के बोल तो कमाल थे हाँ, वो क्या उसमें मैं आपके एक बहुत बड़ी बात कर दूं उसमें क्योंकि मेरी मुलाकात इनके नाना से भी रही शौकत साहब से भी रही जब ये गाना जब ये आपने बताया कि यहाँ बदला वफा का बेफाई के सिवा क्या है और ये गाना मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल राणा साहब के वालिद साहब ने लिखा था अच्छा लेकिन उन्होंने कहा था ये मेरा नाम नहीं देना क्योंकि हम फिल्मी गाने नहीं लिखते अच्छा जी हाँ तो फिर अपना और ये वाहद एक ड्यूट है जो मोहम्मद रफ़ी साहब और मैडम नूरजहाँ की आवाज़ में है जी इसी गाने से मोहम्मद रफ़ी साहब के स्टारडम की आगाज़ हुआ था ना ही बड़ा प्यारा माशाल्लाह बेग जरा प्यार से खातिर रोजा डोंट गो एनीवेयर एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हा 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 से हा 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 से हा हा हा
आप देख रहे हैं सुपर ओवर मोहम्मद रफी स्पेशल। आई एम अ डिस्को डांसर। आप गप्पी लहरी हैं यार, आपने कभी ऐसा गप्पी लहरी देखा? गप्पी लहरी तो नलका लगता है मम्मी। Ladies and gentlemen, welcome back. आप देख रहे हैं सुपर ओवर मोहम्मद रफी स्पेशल। यार ब्रेक पे जाने से पहले इतने अच्छे मेहमान थे, आपने फिर से एंट्री मार दी। कौन हैं ये लोग और पूरी फिल्म की कास्ट ले आए आप अपने साथ? असल में मैं फिल्म दी प्रमोशन आस्ते नहीं आया बट जी, मेरा आजकल ज़ेन चल रहा है म्यूजिक ते। म्यूजिकल माइंड हो गया, मैं फिल्म बनाना चाहना 60s दे दौर में। ते ए माड़ी कास्ट है लेजेंड कुमार साहब, ए माड़ा मौसीकार है गप्पी लहरी, ते ए माड़ी फिल्म नी हेरोइन माइनस ड्रीम गर्ल। एक मिनट, ये माइनस ड्रीम गर्ल नहीं, ये स्क्रीम गर्ल है। तुम ड्रीम गर्ल नहीं, तुम बैड ड्रीम गर्ल हो। बैड ड्रीम गर्ल मर्दी नाल फालसा भी बेच लेती। वाकई फालसा बेच दी और इन आवाज भी नहीं लानी पैंदी। कस्टमर ऐसा शक्ल वेख के अंदाजा लाता फालसा ही उसी। ये ऐसी मनहूस है, तुमने अपना नाम ड्रीम गर्ल रख लिया। तुम जैसी अगर लड़कियां ड्रीम में आने लगे ना तो आदमी सोना बंद कर दे। लगता है आप दोनों शीशा नहीं देखते। बहुत अच्छे, ऐसी शीशा वेखिए कि मुल्क दे हालात वेखिए, ऐसी डॉलर दी उड़ान वेखिए या रुपए दी कदर घटदी वेखिए या तैनू वेखिए। कल हमने शीशा देखा, हम डर गए, ये शेर कौन खड़ा है? शेर केड़ा जेड़ा 15 सीटा तो हार गया। टूटे शीशे च घलोण लग पिया। I am a disco dancer. Oh, I am a disco dancer. मैं हूँ मौसीकार गप्पी लहरी। आप गप्पी लहरी हैं? हाँ जी। हाँ जी। यार आपने कभी ऐसा गप्पी लहरी देखा? बप्पी लहरी तो नलका लगता है मनु। मनु बप्पी लहरी तो नलका लगता है, मैंने उस तो भी हल्का लगता है। तेरे गजल तो ज्यादा सोना पाया हूँ दसी मरने हैं। बतखना देखल नायक। बट जी तुसी तको कितना जेवर पाया है, इंज लग रहा है जिवें सराफा बाजार दा बकरा बैठा है। वैसे अपने हिमा माली ने फिल्म बना जेवर भाभी। बल्कि जिस तरह की ड्रीम कर ले एदे ते फिल्म बननी चाहिए भाभी दी फूड़ियां। हम पर मोहम्मद रफी के बहुत सारे गीत फिल्माए नहीं जा सके, वजह थी उसकी। क्या वजह थी? वो गीत नहीं था बड़ी मस्तानी है हमारी महबूबा, तो उस वक्त हमारे पास सफेद बूट नहीं था, तो वो गाना जतेंद्र को दे दिया गया। वैसे माफ करना, तुहाडे ते गाना बनदा है सी। एक गीत था ना वो चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जी जी, वो मुझ पे ही फिल्माना था, लेकिन डायरेक्टर ने लोकेशन बदल दी, वो बर्फानी इलाके में ले गया, उस वक्त हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे। असल गल दस ना अपना राजकुमार कि ठंड तो क्यों नहीं गया? तू राजकुमार नहीं, तू ढाड़ी निकल आया सी, तू उसे बर्फ से जाने कहते मर भी मैं इतने नहीं रहना, सोफिया ने कितनी शूटिंग रख ली, डुब कह के तू वापस आ गया। बकवास बंद करो, नई कराची में फटे हुए पापड़ बेचने वाली औरत। चाहे कोई मुझे ठहरी, मेरे मतलब है जंगली कहे, वाकई एक आइकॉनिक गाना था। वाह जी वाह, क्या डिफरेंट स्केल और क्या डिफरेंट फ्लेवर के साथ ये कंपोज किया गया था शंकर जयकिशन ने, लेकिन LP लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन की थी रफी साहब ने। 369 सॉन्ग्स, उन 369 सॉन्ग्स में से आपको कितने याद है? काफ़ी सारे याद है, आप कोई बात बताइए, कोई पूछिए उनके। याद तो सारे ही होंगे, उन्हें पूछो कि केड़ा केड़ा भुलदा तुहानू। बट जी मैं तुसा की एक और इन्फॉर्मेशन दिया। जी जी। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ते शंकर जय किशन दोवां दे मोहम्मद रफी साहब दे गाने च इतना ही डिफरेंट है जितना नून लीग ते PTI दा पिंडी च वोटां दा डिफरेंट सी। आपने जब तक मूवी कंप्लीट करनी है तब तक प्लेबैक का ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। तो तेरी बारी आ जाने किसे लोगों ने दरवाजे खड़का के कह के गाया गाना सी। अच्छा मैंने तुहाडा सारेयां दा इतना दुख नहीं होया जितना कुकड़ी दे पंजे दा होया, मैं तुहानू दस्सां। हालांकि 3 ऑक्टेव्स रफी साहब के जो सही एक्सप्लोर किए हैं वो निशाद साहब ने ही किए थे। अगर कोई जरा सैंपल, मोहम्मद रफी साहब के गले जो खून आया थे उन्होंने किसी ने नहीं दसिया, कप्ताने नु एक खत आया उन्हें सारी कौम नु दसी छोड़िया। अच्छा देखिए हैरत की बात, नुशाद साहब ने इस फिल्म के लिए मुंतखब जिसको किया था प्लेबैक सिंगिंग के लिए वो तलत साहब थे, लेकिन कुछ अनबन हुई और फिर उन्होंने यही गाना रफ़ी साहब को दे दिया। देखे जी ये आज़ाद अल्लाह ताला ने रफ़ी साहब को देना था, हालांकि नुशाद साहब खुद तंबाकू नोशी बड़ी टका के करने वाले थे, वो तो रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने तलत साहब को सूटा नहीं लगवाया, इस बात पर बात खराब हो गई।
नाराज हो गए, उन्होंने सिगरेट पेट्रोल पंप ते ला लिया सी। राजेश खन्ना साहब पे किशोर कुमार की आवाज बहुत सूट करती थी, लेकिन जो गाने रफी साहब ने उनके लिए गाए वो वाकई उनके लिए गाए। जैसे के गा के बताइएगा। आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के साथ रफी साहब ने बहुत से गाने गाए, लेकिन जो गाने उन्होंने लता जी के साथ गाए उनकी केमिस्ट्री इतनी जानलेवा क्यों थी? मैं समझती हूँ कि रफ़ी साहब खुद इतने लेजेंड शानदार सिंगर थे, तो ये मुझे लगता है कि कुदरत ने ऊपर से ही ये केमिस्ट्री मैच करके भेजी थी, और मुझे लगता है कि लता जी के साथ जो उनके गाने हैं वो इसीलिए सुपर डुपर हिट हैं कि उनकी केमिस्ट्री नेचुरली बहुत ज़्यादा मिलती है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको ये भी बताएं कि रफ़ी साहब ने पूरे कपूर ख़ानदान की 3 generations के लिए गाना गाया है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही किया है। लेकिन एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि फिल्म लैला मजनू बननी थी, 1976 की बात है जी, तो मदन मोहन साहब को ये फिल्म मिली और उन्होंने कहा कि ये फिल्म की स्टोरी है, उन्होंने उसके मुताबिक सारे गाने बनाए। तो उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर की तो उम्र जो है वो बहुत छोटी है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गाने जो हैं वो शैलेंद्र के या इसके होने चाहिए। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि नहीं, ये गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, वो इस पाए के सिंगर नहीं हैं, जो रफ़ी साहब हैं वो मुझे पता है। और ऐसा ही हुआ, और पता ही नहीं चला कि ऋषि कपूर जो हैं वो 22-23-24 साल के हैं और उनके ऊपर ये अपना रफ़ी साहब के गाने पिक्चराइज हुए। क्या बात है। रफ़ी साहब की ज़िंदगी का आखिरी फिल्म फेयर जो था वो उनको ऋषि कपूर साहब की फिल्म के लिए मिला था। जी जी बिल्कुल, ऐसे फिल्म कर्ज थी और उसमें उन्होंने गाना जो गाया था ऋषि कपूर साहब के लिए, और सुपर डुपर हुआ वो गाना। आप देख रहे हैं सुपर ओवर मोहम्मद रफ़ी स्पेशल। सारी रात गुजारी रल के तेरा बेगज पर आके वो जो को कहते हैं डब्बा बेग लिया तेरा मैं जहान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एक गाना था मेरे उस्ताद जी का, आर डी बर्मन साहब का, तुम बिन जाऊं कहां जी जी ये दुनिया में आ, बहुत गाया हमने उसमें किशोर दा, और उसके बाद एक फर्स्ट और किशोर दा ने कहा है, उसके बाद सेकंड वर्स जो है ना वो रफ़ी साहब ने कहा है जी। वो ऐसे लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, उस अंतरे के बाद जब रफ़ी साहब ने अंतरा गाया ना तो क्या कहने जी। सुपर ओवर के अंदर हमेशा यादगार बैटिंग इनिंग होती है जब पार्टनरशिप कामयाब होती है। आज हमारे साथ एक बड़ी यादगार पार्टनरशिप होने वाली है और वो है सारे जी और बेग साहब की। सर खातिन आजाद, आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट है क्योंकि रफ़ी साहब का हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ उनकी शागिर्द मौजूद हैं वाया सैटेलाइट उषा टिमोथी, जो कि हमसे बात करेंगी। और मज़े की बात यह भी बता दूं, खालिद बेग साहब उषा जी के शागिर्द हैं, तो इस लिंक से रफ़ी साहब आपके दादा उस्ताद हुए जी। क्या बात है। अरे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम उषा जी एंड वेलकम टू सुपर ओवर। रफ़ी साहब अनडाउटेडली दुनिया भर में सबसे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थे, मुझे बताएं कि वो इंसान कैसे थे? नमस्ते दोस्तों, आदाब, मैं उषा तिमोथी। ये पहला ही गीत 13 साल की उम्र में मैंने रफ़ी साहब के साथ फिल्म हिमालय की गोद में गाया था और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ और वहीं से मेरा बहुत नाम हो गया। साहब का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला। दुनिया के हर कोने में मैं उनके साथ गई हूँ, हर जगह मैं गई हूँ उनके साथ। और रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो फरिश्ता ही थे, वेल मैनर्ड, वेल कैरेक्टर्ड, और जितनी भी तारीफ की जाए उनकी उतना ही कम है। उषा जी याद कीजिए वो शाम जब रफ़ी साहब का आपको फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कुड़िए सितंबर च असी UAE जाना है, ते राह विच मैं तेनू अपना शहर लाहौर भी दिखाना है, जरा उसके बारे में बताएं। 22 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि उषा हम तैयारी कर लो, सितंबर में हम लोग पाकिस्तान होते हुए आगे जाएंगे।
तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे लगा कि मैं मैडम नूरजहाँ से मिलूँगी, मेहदी हसन साहब से मिलूँगी, बहुत ही एक्साइटमेंट थी मुझे में। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, साहब इस दुनिया से 8 ही दिन बाद चले गए। उषा जी, क्योंकि आपकी तमन्ना थी कि आप यहाँ आके मेहदी हसन साहब को मिलना चाहती थी और मलका तरन्नुम नूरजहाँ को मिलना चाहती थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मलका तरन्नुम नूरजहाँ का ग्रैंडसन हूँ, नवासा कह लें। तो अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और इसी तरह हमारी मुलाकात होनी थी। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि अहमद भट्ट साहब, जो कि मैडम नूरजहाँ के ग्रैंडसन है, उनसे मेरी बात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी बड़ी हस्ती नूरजहाँ जी, और मुझे लगा कि मैं मैडम नूरजहाँ से ही बात कर रही हूँ। आप रफ़ी साहब के साथ तो लाहौर नहीं आ सकी, लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ कि आप 100 बिस्मिल्लाह लाहौर हैं, क्योंकि वाकई लाहौर लाहौर है। तुसी एक बारी लाहौर आओगे तो तुसी कहोगे वाह वाकई लाहौर लाहौर है। थैंक यू वेरी मच उषा जी फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमें एंटरटेन करती रहें। बेग साहब, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़माने में पैदा होती और वो मेरे लिए ये गीत गाते। लिखे जो खत तुझे, जड़े तेरे को पढ़े नहीं जानते। लिखे जो खत तुझे, वो सारे ही फड़े गए। जो तेरी याद में, तो कह की रही लिखे जो खत तुझे, बंदा तेनु खत लिखे तू कंटेनर ते खलो के लहरा दे में। ये उन खतों का जिक्र कर रही है जो खत पकड़े जाते हैं। अक्सर खत फड़े जाते हैं, मामे चाचे ताए जो तो फड़ लेने, फिर उन्हें डी क्लासीफाइड कर देते। बट जी कोई भी खत लिखे ना केबी नु डायरेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि लैटर बक्स ओदा अपना है। अपने लैटर बक्स एडा मान ना कर, अल्लाह ने सानू पूरा डाकखाना दिता है। देदम ये डाकखाना नहीं जीपीओ है। जीपीओ होवे या डाकखाना, रिकॉर्ड नु ते अग लगी पई। तेन कहने गया सी सीएनजी दे सिलेंडर को रख। ए केड़ा सिलेंडर है? ए मुकद्दर का सिलेंडर है। मुकद्दर का सिलेंडर, वाह। मैं कह जी केबी की फरमाइश पूरी कर दियो। खातिन आजाद सुपर ओवर मोहम्मद रफ़ी स्पेशल अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर ये कैसे हो सकता है कि हम आखिरी ओवर के अंदर, आखिरी बॉल के अंदर छक्का ना मारे। तो आपकी भरपूर तालियों में एक वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय सारा जी एंड खालिद बेग साहब।